जगह जगह से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप सबका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने इस हमारे विनोद सुल्तान बीर जी जो हमारा यहाँ का बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है, चाहती हूँ विनोद सुल्तान बीर जी को कहा कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र सरकार उठाकर उन मुद्दों को की आवाज केंद्र सरकार में रखेंगे। और जैसा आपके स्वर्गीय पिताजी ने भी बहुत लंबे अरसे तक वो एमपी रहे, उन्होंने यहाँ कर चिन्हों पर चलकर आप भी उनको इस इलाके को यहाँ से नेतृत्व देंगे और केंद्र में जाकर हमारी आवाज को उठाएंगे। हमें खुशी है कि इस बार बहुत युवा नेता को पार्टी ने चुनकर आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जोश आपने आज यहाँ दिखाया उसी तरह से अब आप बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे, अपने जोन लेवल पर जाकर काम करेंगे। एक हमारे लिए मिसाल है कि इतने छोटे समय में आपने बहुत निर्णायक फैसले लिए हैं। आप सभी देख रहे हैं सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने ओपीएस को लागू किया और जो ओपीएस का फायदा हुआ है वो आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी जिसमें आप चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए और वो पेंशन भी तिगुना चौगुना बढ़कर आज सरकार ने आपको दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने राजस्थान में भी जब हमारी सरकार थी हमने ओपीएस वहाँ भी लागू किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहाँ आई उन्होंने उस ओपीएस को वापस लिया। तो ये एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, कौन सी सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात जो हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। हम भी जब जनसभा में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे तो महिलाओं का एक ही प्रश्न होता था, कब मिलेंगे हमको वो 1500 रुपए। मुझे आपको बताना है कि हमने वो 1500 के लिए वो धनराशि सरकार के पास सरकार ने रखी थी और तुरंत हम उसको देने जा रहे थे, पर बीच में जो ये आपदा आई, ये आपदा की घड़ी आई जिसकी वजह से हमें वो पैसा डाइवर्ट करके लोगों की आपदा के वक्त में उनके साथ खड़े होकर उनके मकान बनाने के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनके आर्थिक तौर से मदद करने के लिए सरकार ने वो पैसा वहाँ लगाया। अब जैसे ही वो आपदा का काम खत्म हुआ अब हम उस पैसे को तुरंत से तुरंत हर महिला के खाते में वो 1500 रुपए देंगे। दूसरा वायदा हमने आपसे, जो दूध का उत्पादन हमारी महिलाएं करती थी उनकी मांग थी कि हम गाय पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उसका रेट बढ़ाए। तो आप जानते हैं 35 रुपए से 45 रुपए सरकार ने उसका दाम दिया है। उसके लिए भी मैं सब महिलाओं की तरफ से, खासकर जो आपने जो अपना अहम कदम उठाए हैं इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उसी तरह से आप जानते हैं, मैं बस संक्षिप्त में अपनी दो चार बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे को पता है कि तपती धूप है, सभी बहुत यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमने जब ये आपदा आई, मैं भी एक एमपी थी, मैं भी बतौर एमपी के मैंने सभी सांसदों को, चाहे वो हमारे राज्यसभा के सांसद थे चाहे लोकसभा के सांसद थे, उन सभी को पत्र द्वारा सूचित किया कि आओ मिलकर प्रधानमंत्री के पास चलते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम प्रधानमंत्री में आपके साथ मिलकर हम वहाँ पर ये जो डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया है इसकी स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएंगे, उनसे पैसा लेने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 12,000 करोड़ का जो ये नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में उतना पैसा नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे। पर अफसोस इस बात का है, एक भी सांसद ने मेरा पहली प्रधानमंत्री के पास गई और मैंने बोला मोदी जी
जिस हिमाचल प्रदेश को आप अपना दूसरा घर बोलते हैं उस घर की तरफ आप नजर नहीं डाल रहे। आपने पूछ में हाँ तारा छोटुआ सु तारा बेटा सु और तारी खातर काम करने की खातर आ रहा और हाँ तुम्हें वादा करने लग रहा जो बोलुए सच बोलुए बिना डर रहे बोलुए मारा प्रदेश आगे किसा बढ़ सको एक काम करना कुकुआ रो बैठना नहीं है तेज आ रो सांसद आप सब बढ़ने वाले ये बोल रहा हूँ मैं एक तारीख का दिन होगा और बदलाव का दिन आपके हाथ में होगा और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इतनी तादाद में आए हैं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चुनाव हम जीतेंगे ही जीतेंगे आपके द्वारा जीतेंगे ये मैं बोलना चाहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।